कोरोना संकट काल में प्रदेश भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के बिना ही काम चलाया जा रहा है। खाद्य पूर्ति मंत्री, ऊर्जा मंत्री के पद भी वर्षों से खाली हैं। मुख्यमंत्री आधा दर्जन विभागों का बोझ उठाकर मात्र सरकार को घसीट रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो सरकार एक वर्ष से ऊपर के समय से अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सके, उनसे विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हालात खराब हो चुके हैं और शासन प्रशासन बेलगाम हो चुका है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है, खाद्य व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, शिक्षा प्रणाली ने छात्रों का भविष्य अंधकारमय बना दिया है, राज्य के उद्योग बेहाल हैं, किसान बागवान समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार का किसी भी कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार मात्र मोदी गुणगान करने और भ्रष्टाचार फैलाने में मस्त है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार की लाचार व्यवस्था के कारण कोरोना संकट भी सामुदायिक वायरस फैलने की स्थिति तक पहुंचने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं कोरोना संकट काल में राशन वितरण में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया। शर्मा ने सरकार को इस संबंध में श्वेत पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। देश में जन समस्याओं का अंबार है, जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की बात हो, खाद्य आपूर्ति विभाग की बात हो, या बिजली विभाग की बात हो, या कृषि विभाग की बात हो, या खनन माफिया की बात की जाए, सभी जगह पर शासन प्रशासन बेलगाम हो चुका है। लेकिन सरकार इस तरह से चल रही है, हम तो ये कहेंगे कि ये सरकार चल नहीं रही है, ये घिसट रही है। मुख्यमंत्री के पास आधा दर्जन से ज़्यादा विभागों के मंत्रालय उनके पास हैं, एक वर्ष से ऊपर हो गया, दो वर्ष होने को आए, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए हैं। ये सरकार पूर्ण रूप से जनता की समस्याओं से बेखबर होकर मात्र एक काम करने में व्यस्त है, मोदी सरकार का गुणगान करने में, और मोदी सरकार का गुणगान भी गुमराह करने वाला गुणगान करने में व्यस्त है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज स्थिति ये है कि हर विभाग में बुरी तरह से व्यवस्था चरमरा चुकी है। किसान परेशान है, बागवान परेशान है, मजदूर परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, कोई नियंत्रण महंगाई के ऊपर इस सरकार की तरफ से नहीं है। एक भी जगह ऐसा नहीं देखने में आया है कि सरकार ने इसके ऊपर सजगता दिखाई हो और कोई कार्रवाई की हो। खनन माफिया बरसात के मौसम में भी बुरी तरह से हर जगह मीडिया में सामने आ रहा है कि हर जिला में खनन माफिया पूरी तरह से हावी हो चुका है, लैंड माफिया हावी हो चुका है। इतना कुछ होने के बावजूद ये सरकार जो है वो जाग नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती है कि इस घिसट रही सरकार को बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी, जन जन के बीच जाएगी और इस सरकार का पर्दाफाश करेगी, और जो कुछ ये सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है उसको सहन नहीं करेगी।